What is up, everyone? This is me, Mukesh, and welcome you to Mukesh Network. And we are back with another one. And we are back with another trailer reaction. किस ट्रेलर को हम देखने वाले हैं? राधे योर मोस्ट वांटेड भाई. ओके, आई मीन ओटीटी के जमाने में जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में इतने क्वालिटी फिल्म्स आ रहे हैं, इतने क्वालिटी कंटेंट आ रहे हैं, इतने क्वालिटी फिल्मों के नाम आ रहे हैं, उसमें राधे योर मोस्ट वांटेड भाई तो थोड़ा सा अजीब लगता है. मतलब ये बिफोर कोविड, बिफोर ओटीटी प्लेटफॉर्म बूम्ड हियर इन इंडिया, ये टाइटल्स बहुत ही अमेजिंग लगते थे. लाइक वो क्या लिख. बट सो डायरेक्टेड बाय प्रभु देवा, सलमान खान स्टारर फिल्म, ईद में रिलीज होने वाली है. ब्लॉकबस्टर फिल्म है क्योंकि सलमान खान का नाम एसोसिएट हो चुका है इस फिल्म में. जिस फिल्म में भी सलमान खान का नाम एसोसिएट है वो बहुत बड़ा फिल्म है. सो बिफोर मच फर्दर डू विल गेट इन टू दिस रिएक्शन. और अगर आप सोच रहे हैं कि इंट्रो की बात क्यों नहीं की जा रही है, इंट्रो शुरुआत में दे दिया जा चुका है, तो आप देख चुके, आपको कितना इंट्रो चाहिए? कम ऑन. नाइस. सो विदाउट मच फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस रिएक्शन. और हाँ, ये रोश नहीं है. मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रेलर मैंने पहले एक बार देखने की कोशिश की मैंने. What the fuck? लेकिन नहीं देख पाया. और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कंप्लीट नहीं कर पाया मैं. और ये रोश नहीं है, ठीक है? मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ये फिल्में अभी इस टाइम पे खटक रही है. आई विल स्टार्ट. क्लीन शॉट, पूमा का शूज. मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज युवाओं की मौत हो रही है. यू डोंट हैव टू डू दैट. स्टॉप इट. Get some help. We get it कि ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने इतने बड़े बड़े भारी भारी आवाज में कहा कि इस्तेमाल हो रहा है. We get it. You know, ये एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं थी. और जो ड्रग लेते हैं वो ऐसे एक्टिंग ही करते हैं, ये आपको कहाँ दिखता है? ऐसे एक्टिंग कहाँ दिखता है? कम. ओके, लेट्स गो. इट इज राधे मैन. इज ओवर द टॉप फिल्म है. इसमें आपको दिमाग लड़ाने की कोई जरूरत नहीं. बट ये मुझे ज्यादा नहीं खटकी. लाइक आई एम ओके विद इट. आई एम फाइन विद इट. आई मीन बॉलीवुड अगर थ्राइव कर रहा है तो इन मूवीज के वजह से ही कर रहा है. लाइक लोग नो ब्रेनर्स देखना चाहते हैं वंस इन अ वाइल. और अभी तो बहुत ज़्यादा सलमान खान का एपिक मसालेदार फिल्म देखना चाहते हैं, जो कि सलमान खान प्रोवाइड करते हैं. लेकिन मुझे क्यों थोड़ा खटका. ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज युवाओं की मौत हो रही है. Good morning, Mumbai. The only good thing about this trailer is Randeep Hooda. He's just amazing. Randeep Hooda is amazing. I love Randeep Hooda, man. शहर में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है. We have to get this stop. I love it too. The way he smashed that. Oh. ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर की बात है ही नहीं. This is I hate this line. And ये line बहुत सारी फिल्मों में यूज हो चुकी है. I think मुंबई सागा में भी ये लाइन रिलीज हुई थी इमरान हाशमी का. आई मीन और सलमान खान की मूवी, हर मूवी में, जिस मूवी, हर मूवी में बेसिकली सलमान खान का ये लाइन. ये वॉन्टेड में भी था सर. आई डोंट नो ये लाइन इतनी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन बहुत ही ज्यादा यूज हो चुकी है. और इस लाइन ने ही मुझे ऑफ द ट्रैक डाल दिया. मुझे देखने का मन ही नहीं किया ट्रेलर, क्योंकि ये लाइन कुछ नहीं अलाओ यार, कुछ नहीं अलाओ. लाइक सलमान खान मूवी संभाल लेंगे, ठीक है? तुम लाइनें कुछ अच्छी लिख लो. दैट्स व्हाट आई वांट. सलमान खान को मूवी दे दो मारधाड़ वाली, मसालेदार, वो संभाल लेंगे. हैव दैट क्वालिटी. सलमान खान पोजेस दैट क्वालिटी कि वो जिस भी फिल्म में काम करेंगे वो फिल्म को संभाल लेंगे. ऐसी बात नहीं है. सलमान खान अपने ऑडियंस को खुश कर देंगे, लेकिन वो बांध के नहीं रख सकते जब तक आपके डायलॉग अच्छे हो. पर्सनालिटी से लोगों को 3 घंटे बांध के नहीं रख सकते. सो आप प्लीज अच्छे लाइन लिख लो. कम ऑन. एक ऑफिसर है तो बाकी सारे ऑफिसर क्या करेंगे? फिर जॉब छोड़ दे. दिस इज बैड.
guy. We have to get this stop. I love it. ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है व्हाट इज नॉर्मल पुलिस अफसर व्हाट इज नॉर्मल पुलिस अफसर आई कांट बी अ पुलिस अफसर आई हैव टू जॉग आई हैव टू एक्सरसाइज आई हैव टू रिड्यूस माय वेट आई हैव टू स्टडी हार्ड टू बी अ पुलिस अफसर नॉर्मल पुलिस अफसर क्या होता है ड्यूड इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए स्पेशलिस्ट यस सर राधे स्पेशलिस्ट चाहिए If you need a specialist, you should call police, any police officer from you. What? What the f***? He will get your work done. Oh no. 97 encounters. Uska kaam karne ka apna tarika hai. So this is good thing, 97 encounters. 97 encounters, is that a good thing? Huh? अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर व्हाई कर रहा है लिवर की जगह किडनी व्हाट इज दिस ये बैकग्राउंड एक्टर्स ऐसे क्यों किए लाइक व्हाट दिस इज ओ यस अनदर गुड थिंग अबाउट दिस ट्रेलर इज दिशा पटनी She's just amazing. Amazing. She's amazing. Like, come on. Come on. Like, she's good. ये गाने को क्यों लिए तुम लोग हैं? तुम्हें ये पुलिस का जॉब सूट नहीं करता. वैसे आपका नाम क्या है? दिया. किसने रखा? मेरे भैया ने. जब कभी मेरी बहन होगी, तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा. Nadia. Oh my god. Why not hire good writers and pay some more money and hire some good musicians who will provide you good new music? ये क्या मतलब क्यों म्यूजिक क्यों नहीं बना पा रहे लाइक इतने सारे म्यूजिशियन अनएम्प्लॉयड हैं क्यों नहीं ले रहे उसको भाई गाना लिख दे एक म्यूजिक प्रोड्यूस कर दे और हम लोगों को कुछ नया दे देंगे क्या क्यों ये सब हो रहा है बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा नादिया तो मेरी बहन का पीछा कर रहा है बिल्कुल नहीं सर एनकाउंटर में मार दूंगा आयरनी Encounter में मार दूंगा He said it to a police officer A specialist In encounter He said that line to a specialist in encounter So that's supposed to be an irony Okay पुलिस की नौकरी है गिरफ्तार तो करना पड़ेगा मुजरिम हूँ जान से मारना पड़ेगा तुम्हारे 10वीं पास होने से पहले या that was not good. तो वो जेल के अंदर होंगे या जमीन के अंदर एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता आई विल क्लीन दिस सिटी एनी ऑब्जेक्शन विद दैट थिंग जो कार के साथ उन्होंने किया लाइक दैट इज द लीस्ट दैट इज द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स ओके अबाउट दिस मूवी जैकलिन फर्नांडिस राधे जाने के लिए नहीं भेजने के लिए आया है और तेरे हिस्से की बिरयानी हम सब मिल बांट कर खाएंगे और बोलेंगे ईद मुबारक ओ माय गॉड वो आखिरी में क्या डायलॉग था
कि तुझे व्हाट आई डोंट वांट टू लिसन टू इट अगेन. बॉलीवुड अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जहां पे जो VFX हैं वो बहुत ही क्लीन होंगे. सो वी हैव टू एडजस्ट एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत एफर्ट लगा रहे हैं बॉलीवुड के बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट बहुत एफर्ट लगा रहे हैं लोगों को क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, विच आई रिस्पेक्ट. एंड आई रिस्पेक्ट सलमान खान एंड प्रभु देवा सर एंड एवरीवन एल्स द होल टीम टू इस कोविड टाइम्स में जहाँ पे आपको पता है कि आप जितना एफर्ट, जितना टाइम, जितना मनी आपने स्पेंड किया है उतना अप्रिशिएशन, उतना रेवेन्यू शायद नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी आप एफर्ट लगा रहे हो, आप अपना काम करते जा रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स इस बात की है क्योंकि अभी जो कंटेंट सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम अभी थिएटर्स में नहीं जा सकते तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हम सीरीज, मूवीज, कंटेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं. और जो कंटेंट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट, एक बहुत ही अलग लेवल का है और जो पैरामीटर है वो बहुत ही हाई हो चुका है. सो उसमें ये ट्रेलर, ये मूवीज़ जो मे बी OTT प्लेटफॉर्म के पहले हमें बहुत अच्छी लगती, बहुत ही, वो अभी नहीं लग रहा है. लाइक दैट इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन कि सलमान खान हर मूवी में अच्छा करते. लाइक वॉन्टेड मूवी जब आया था तो मैं फैन था वॉन्टेड मूवी का. आई थिंक उसमें भी ज़्यादा क्लीशे टाइप का नहीं था क्योंकि उस वक्त ये फिल्में ज़्यादा नहीं बन रही थी, लेकिन अभी हम ये फिल्में देखकर आ चुके हैं. लाइक वॉन्टेड से पहले कोई और एक सलमान खान का वॉन्टेड मूवी जैसा नहीं था, लेकिन राधे से पहले वॉन्टेड था तो मैंने वॉन्टेड ऑलरेडी देख चुका है. अभी वॉन्टेड के जैसे ही आप राधे लेकर आ रहे हो इट सीम्स रियली रिपीटेटिव और बहुत ही ज़्यादा. अभी जैसे कि टाइम बढ़ रहा है, जैसे कि हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिस तरीके से, जिस हाई लेवल के कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हूँ एज व्यू. लाइक लाइन्स थोड़ी अच्छी लिख सकते हो, बहुत ही क्लीशे लाइन है कि एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर चाहिए, एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर. बड़ी प्रॉब्लम है कि म्यूजिक, हमें नया म्यूजिक चाहिए. हर एक बॉलीवुड मूवी में कुछ ना कुछ रीमेक, रीमिक्स निकल के आ रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है पर्सनली. सो दैट्स व्हाई मैं पहला ट्रेलर पूरा कंप्लीट, पहली बार पूरा कंप्लीट नहीं देख पाया था. दिस इज द रीजंस. अदरवाइज इट्स अ गुड मूवी, आप सबको मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ जाके देखिए. नो ब्रेनर, बहुत ही एफर्ट डाला गया है इस मूवी में. VFX अलग लेवल का किया गया है. बट ये मेरी कंसर्न्स थी और आप अपने कंसर्न्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आई विल बी पोस्टिंग रेगुलर कंटेंट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन नो हेट, पीस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.